नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे आईटी मंथन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, रेजिस्टेंस का उपयोग और रेजिस्टेंस के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। मैं आपका समय जाया ना करते हुए बिल्कुल अपने टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। रेजिस्टेंस किस काम के लिए आता है? सबसे पहली चीज़ तो ये, रेजिस्टेंस कैसे कहते हैं, वह पदार्थ जो विद्युत धारा के चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं उसको अपन बोलते हैं प्रतिरोध। ये चीज़ तो आप कहोगे कि हमने बहुत बार सुनी है, प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल होती है। लेकिन रियोस्टेट, जिसका एक इलेक्ट्रिशियन के भविष्य में बहुत उपयोग भी होता है, कैसे इनको उपयोग लेते हैं, किस तरीके से इनको चलाना है, क्या उपयोग करेंगे, वो चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। रियोस्टेट को किस तरीके से, किस चीज़ का बना हुआ रहता है, किस जगह अपन कनेक्शन करते हैं। कई बार क्या होता है, अपन कनेक्शन की वजह से रियोस्टेट को जला देते हैं, क्योंकि अपने वो कनेक्शन करना आता नहीं है, नहीं आता है तो रियोस्टेट अपना जल जाता है। आज उसी बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए दोस्त, जैसा कि ये एक रेजिस्टेंस लगा है मेरे हाथ में है, इसको बना हुआ किसका रहता है, जो नीचे का भाग है वो सेरमिक मिट्टी का बना हुआ रहता है। जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है वो सेरमिक मिट्टी का। जो वायर लगा हुआ है वो किस धातु का होता है, इसका भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ये यूरेका धातु का बना हुआ रहता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, एक टर्मिनल ये दिख रहा है, एक टर्मिनल ये दिख रहा है और एक टर्मिनल ये दिख रहा है। यदि दोस्तों आपको इसको फिक्स रेजिस्टेंस की तरह उपयोग में लेना है, फिक्स रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि आपके इसके मान को अपने को कम ज़्यादा नहीं करना, मेरे को तो फिक्स ये कितने ओम का है, जैसे इस पे लिखा हुआ 1 ओम, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी 1 ओम। जैसा कि ये अपने रजिस्टर्ड है, इस पे कितनी कैपेसिटी का आई है 25 ओम का। उसी दिशा में कि यदि मेरे को इसको वेरिएबल उपयोग में लेना है या फिक्स में लेना, सबसे पहली बात, इसका नाम है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है इसके मान को, जैसा कि 1 ओम है वो इसका अधिकतम मान है, उससे भी अपन कम ज़्यादा इसको ले सकते हैं। यदि वेरिएबल के रूप में करना है तो 2 वायर अपने इसमें लगेंगे, एक वायर को अपने को इस कॉन्टेक्ट के अंदर लगाना है, दूसरे वायर को कहाँ लगाना है, इस वाले कॉन्टेक्ट के अंदर। ये तो हो गया वेरिएबल के। कई बार अपने इमरजेंसी भी आ जाती है तो अपन इसको फिक्स रेजिस्टेंस के रूप में भी उपयोग लेते हैं। फिक्स के लिए क्या करेंगे, एक वायर को इस कॉन्टेक्ट पे लगाएंगे, एक वायर को इस कॉन्टेक्ट पे, दूसरा इसकी स्लाइड है बिल्कुल यहाँ पे अपन रखेंगे। ये है इसका उपयोग। जैसा कि अपन इसका प्रतिरोध देखने की कोशिश करेंगे तो अपने पास, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने मल्टीमीटर का उपयोग बताया था, मेरे पास एक मल्टीमीटर है, इसकी सहायता से मैं आज इसका प्रतिरोध नापने की कोशिश करूँगा। कितना प्रतिरोध होगा वो अपन चल के देख लेते हैं। जैसा कि मैंने इस मीटर को सेट कर लिया है, उसके बाद में मैंने बोला था आपको लीड को टच करके देखना है, लीड को टच भी कर लिया, मीटर में आज शून्य नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले अपन शून्य सेट करते हैं, किससे, इस जो स्विच होता है उसको अपन एडजस्ट शून्य स्क्रू बोलते हैं, 0 पे सेट हो गया। इसके बाद अपन इसका प्रतिरोध नापते हैं। एक कॉन्टेक्ट को मुझे यहाँ पे लगाना है, मैंने लगा लिया है, दूसरे को मेरे को यहाँ पे लगाना। जी हाँ बिल्कुल, इसका प्रतिरोध 1 ओम है, इस कारण से ये आपको बिल्कुल नज़दीक दिखेगा। एक मैं मेरे इसको वेरिएबल करके भी बता देता हूँ। जैसा कि मैंने इसको यहाँ पे किया, अब देखना रीडिंग में बिल्कुल हल्का सा डिफरेंट आपको मालूम चलेगा। जैसा कि मैं 25 ओम का रेजिस्टेंस लेके आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास 25 ओम वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं शून्य सेट करूँगा, बिल्कुल मेरा शून्य ये है। अब मैं इसके मान को कम ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा, जैसा कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, देख लो बिल्कुल आपको प्रतीत होगा कि मान कम ज़्यादा इसका हो रहा है, लेकिन ये कुछ ओम का होने के कारण ही आपको उसकी सुई पे ज़्यादा इफेक्ट ना देखने को मिल सकता है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको ये पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।